हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना के कारण, इसलिए हम लोग घूमने तो जा नहीं सकते हैं। वैसे मेरा चैनल तो ट्रैवल व्लॉग का है, तो ट्रैवल वाले वीडियो तो अभी बनना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हमने चलो आज हम लोग किचन में ही हाथ आजमाते हैं और अपनी धर्मपत्नी जी को खुश करते हैं। आज संडे का दिन है तो हमने कहा कि चलो आज चटपटी भेल खिलाएंगे, और जैन भेल है और ब्रेकफास्ट में आज हमने उनको छुट्टी दे दी है कि चलो हम लोग बनाएंगे ब्रेकफास्ट में जैन भेल, चटपटी भेल। चलो आइए देखते हैं जैन भेल कैसे बनाई जाए। चलिए आज आप हम आपको भेल बनाना सिखाते हैं, और ये होगी जैन भेल जिसमें ओनियन नहीं होगा, गार्लिक नहीं होगा, धनिया चटनी है, धनिया चटनी हम लोग डालेंगे इसमें। देखते हैं अगर कम पड़ेगी तो और भी फिर ऊपर से भी डाल देंगे। ये कुकुम्बर के पीसेज हैं छोटे छोटे, वो हम लोग इसमें मिला देते हैं। ये छोटे छोटे हमने आलू के पीसेस किए हुए हैं, वो भी हम लोग इसमें मिला देते हैं। और अब इसमें ये टमाटर हैं छोटे छोटे कटे हुए, और पीसेस बहुत छोटे ही रखना है इसमें। बड़े बड़े टमाटर करेंगे तो मुंह में खाने में थोड़ा तकलीफ होती है और मिक्सिंग भी नहीं होते हैं ये। और ये उबले हुए चने हैं, काले चने, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर, भेल में डालते हैं तब। ये ना मिर्ची, ये पिसी हुई मिर्ची है, इसका भी तीखापन लाने के लिए हम मिर्ची डालेंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ये इमली की चटनी भी मिक्स करते हैं। अब इसमें मेन जो है इंग्रेडिएंट हम लोग इसमें ये थोड़े जो है इसमें मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सी डाल करके अब हम इसमें थोड़ा सी नमक मिलाएंगे। ये जो मट्ठी थोड़ा बनाए हुए हैं हमने, इसको थोड़ा सी क्रश करके थोड़ा डाल देते हैं, काफी अच्छा स्वाद आएगा इसमें। लाल मिर्च इसे मिक्स करेंगे जो काफी अच्छा खट्टा खट्टा स्वाद आएगा इसमें। अब इसमें हम लोग ये खट्टा मीठा हल्दीराम का और टेस्ट बढ़ाने के लिए अब हम इसमें और खट्टा मीठा डाल देते हैं हल्दीराम का। ऐसे इसमें बारीक सेव डालते हैं ऊपर से, लेकिन बारीक सेव का स्वाद मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि फीका ही रहता है, इसलिए मैं इसको स्पेशली खट्टा मीठा डालने के लिए ये मिक्स कर देता हूँ, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
ये आपकी ढेर बनकर तैयार हो गई है। अब हम इनको इसमें हरा धनिया डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये नींबू भी इसमें डाल देते हैं। ये बाप खाने के लिए तैयार है। अब हम लोग इसको सर्व कर सकते हैं। तैयार है सर्व करने के लिए भेल। अब इसको खाने में जो आनंद आएगा उसका क्या कहना है। एकदम उंगलियां चाटते रह जाएंगे, चम्मच चाटते रह जाएंगे। धन्यवाद। Once again.